अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। इज़्ज़त की दुश्मनी का सबूत देना ही है मेरे भाइयों। मसला दरपेश ये है कि CAA ये जो एक्ट है वो तमाम कौम के खिलाफ है। हमारे अमित शाह साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अकलियत के खिलाफ है। मसला जो है वो खुद नावाफिक है वो मसले से, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को दबाया जाए। लेकिन ये सोच ये इरादे सुम्मा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के बदल से कह सकते हैं कि उनके नाकाम रहेंगे। मेरी माओ, आज हम में इतनी ताकत है कि इसकी जिंदा मिसाल में आपको देते चली चलूं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में इतनी दहकती हुई आग लगी जिसमें 450 मिलियन जानवर जल कर खाकस्तर हो गए। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई लेकिन वहां पर आग पर काबू पाया नहीं गया। लेकिन सुभान अल्लाह, देखिए वहां पर नमाज इस्तिखारा अदा की गई थी और देखते ही देखते वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ। आग पर से बड़ी करती है और पल भर में पूरी आग ठंडी हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये है माओ। आज हमारा ईमान सो गया माओ, आज हम इसलिए कसमा है कि हम भूल गए अल्लाह को। हम जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं लेकिन हमारे दिल और दिमाग इस चीज से खातिर है। मेरी माँ, जब मेरा मासूम बच्चा एक चॉकलेट के लिए तरसता है तो मेरा दिल कांप जाता है। किसी ना किसी बहाने से मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसको चॉकलेट दे दूँ। अरे वो अल्लाह सत्तर माओं की मोहब्बत रखता है तो आप पर या उस पर कैसे जुल्म करेगा, या कोई और जुल्म करे तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। हम हौले मसलत में हैं, हमको जागने की जरूरत है। आज आपकी नमाज खुनूत नाज़िला का एहतमाम कीजिए। आज अपने घरों में अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत पूछ लीजिए कि अल्लाह की रहमत अब तक हुरूज पर सके। जरूरत इस बात की है कि कसरत से अल्लाह के नाम का जिक्र करें। जरूरत इस बात की है कि खवातीन ज्यादा से ज्यादा होश में आए। कोई भी चीज जो आसानी से मिलती है वो आपके लिए मुफीद नहीं हो सकती। एक मामूली सी चीज मैं आपसे पूछती हूं, अगर आपका कोई पड़ोसी आकर कहे कि मैडम ये घर मेरा है आपके पेपर दीजिए, आप दे देते हैं? नहीं देते। कई कू गया मां, पहले तू कई हुआ ये घर मेरा है, तब से मैं हूं, मेरे बच्चे एक पैदा हुए मियां एक से तो नीचे। हम ये शुरू करते फिर आज क्या हो गया मेरी माओ। अगर आज आपको कोई आपके घर से निकलने की बात करता है तो आप पूरे दरवाजा उठा के दे देते, लेके जाओ हमारे के जो ये भी है वो भी है वो भी है, बाजू वाले का भी रख देते। हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम इतने बेवकूफ नहीं है। अगर आपके बच्चे का मामूली हाथ कट गया तो आप तड़प जाते। अगर आपके मियां की गाड़ी में से दो कतरे कोई पेट्रोल निकाले तो आप पहुंच जाते, पैसा लेने तैयार हो जाते? नहीं, पूरा फसाद, पूरी सोसाइटी का फसाद हो जाता, हर घर में मशहूर हो जाता भाई उनकी गाड़ी में से पेट्रोल निकाले, उनकी बेगम दवा के ग्लास दिए, हंगामा हो गया। फिर आज के लिए मेरी माओ, आपके आधार गैस वाले के पास, आपका मोबाइल नंबर जियो वाले के पास, आपका डेटा फला के पास। क्यों? हम इतने मासूम और नालायक नहीं है? जब हम आपस में एक दूसरे के लिए इतना सब कुछ कर सकते तो आज जरूरत इस बात की है कि जब हमारा आदमी हमारे घर में नहीं है, गैर आदमी आके धक्का मार के दीदी आपको डॉक्यूमेंट दिए बोले, हम क्यों नहीं, क्यों नहीं थे? हम इतने मासूम नहीं है? बता दीजिए कि जो औरत घर में पकवान कर सकती है वही औरत सारे मुल्क की रहबरी भी कर सकती है। हम क्यों डरे? हम भूल गए इंदिरा गांधी? हम भूल गए रसिया सुल्तान? नहीं माँ, वो कोई स्पेशल औलाद नहीं थी, हम थी। हम खवातीन को सिर्फ दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत है। छोटी सी बात, हमारे शोहर 100 रुपए जाते वक्त देते सरकारी के लिए, कोशिश करते 20-25 तो बचाते। क्यों?
कल के दिन बुरे वक्त में काम में आते हैं। वो मैं मेरा शान मेरा शान गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से चाहिए कि पर्टल प्रेसिडेंट मेरे साथ एमएलएस के रूप में बस के सारे बस के सारे में जो ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किए हैं क्योंकि ये मीडिया के जरिए और फेसबुक है मीडिया के जरिए हम आम जनता तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि ये सीए एनआरसी के बारे में जो अधिक परेशान है दहशत में इनको सुकून नहीं है क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डाटा में रहती और ये थोड़ा सेंस की बात है कि हम जिस वक्त आधार कार्ड बनाए थे उस वक्त हम डाटा के लिए कितने परेशान थे हमें आधार कार्ड की जरूरत थी कोई ऐसा प्रूफ चाहिए था जिसमें हमारे तमाम बच्चे तो वो राशन कार्ड था हमारे पास वो राशन कार्ड हो गया फिंगरप्रिंट्स हो गए आई टेस्टिंग हो गया एक प्रूफ गवर्नमेंट के पास आ चुका है सेव है उसके बाद मजीद और कोई प्रूफ की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं है और हम ये गवर्नमेंट के चार तो है ही है मगर तेलंगाना की आवाम से मेरी एक गुजारिश है जो तमाम मेहरबान से मेरी गुजारिश है कि ये चीज़ को अवॉइड कीजिएगा एनआरसी असी ये कोई मायने नहीं रखता हर वो आईडी हमारे बैंक में है इवन हमारा पैन कार्ड भी वहाँ पर है तो अब ये चीज़ की जरूरत क्यों पड़ी ये सियासत का मफाद है इसमें ये लोग अपनी कौन सी नई चाल चल रहे हैं ये आवाम नहीं जानती आवाम एकता से है सीधी साधी है आपस में इत्तेफाक से है और ये हमारी आवाम से गुजारिश है कि ये चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा कोई भी बंदा आ रहा है तो पहले सबसे पहले अपने मोहल्ले में इत्तेफाक से रहिएगा और एक दूसरे के टच में रहिएगा अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद हम सबको अवेयरनेस लाना है आपके मोहल्ले में हो या एरिया में हो या कोई भी गली में हो आप अवेयरनेस रखिएगा आपस में इत्तेफाक रखिएगा एक दूसरे से जुट लगे रहिएगा कोई भी नया बंदा आया तो एक दूसरे का फोन से व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करेगा अगर नेटवर्क नहीं है तो बच्चे तो है हमारे एक दूसरे बच्चों को आपस में भेजिए और सबसे पहले पुलिस को डर के कि हमारी तेलंगाना पुलिस एक मशहूर पुलिस है जो कि तेलंगाना से हटके हर जगह हमारी पुलिस का नाम है और एक 100 डायल कीजिएगा रक्षक आ जाएगी रक्षक के जरिए आप उसको हैंडल कीजिएगा और अपने साथ साथ अपने भी फोन में उनको कैप्चर कीजिएगा ताकि हम हमारी आवाम को ये आगे बता सके इंशाल्लाह ताला ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा हर आवाम हर जनता के लिए हर बहन के लिए है जो अनजान है जो नहीं जानते हैं तो मेरी ये गुजारिश है आपसे ये चीज को आपस में इत्तेफाक जो कि हमारे साथ हर कोई है यहाँ पर कोई भी नहीं हम सिर्फ तिरंगा पे चल रहे हैं और इंडियन वी आर इंडियंस बस हम ये स्लोगन हमारा है सबसे देखिए हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे केसीआर साहब चुप क्यों है हमारे केसीआर साहब चुप इसलिए है हम ये हम खुद नहीं चाहते हैं कि ये चीज अवैध तेलंगाना और आंध्रा जब एक था तो ये चीज नहीं अब हम आंध्रा से एक सबक लिए है कि जगन साहब अपने अगर पीछे हटा लिए और हमारी उम्मीद तेलंगाना की हर आवाम से उम्मीद है कि केसीआर साहब अपने कदम इंशाल्लाह पीछे हटाएंगे और रही बात हमें कोई इस्तीफा नहीं मिला है तेलंगाना को जब गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट से बताइए ना कोई भी चीज में हम लोग पीछे रह गए तो अब यहाँ पर हम इनका साथ देकर कोई फायदा नहीं है और केसीआर साहब हमारी रिक्वेस्ट है अवेयरनेस ग्रुप से सारी तेलंगाना आवाम से कि आप अपने कदम पीछे हटा लीजिएगा हमारे पास हर कदम से आप जिस तरह के एक वोट बोले हैं कि आप हमारे तेलंगाना के बादशाह हैं सारी सेना आपके साथ है और आप एक आवाज दीजिएगा बादशाह की आवाज से पूरी सेना आपके साथ है इंशाल्लाह।